हाँ भाई, आपने क्रिकेट काफी खेली जहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के जमाने से इतनी एक्टिविटीज कर रहा है, टूरिस्टिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो एशिया कप आपका ये क्या मुद्दा है, कौन सा पैसे कर सकते इस दुनिया जिस यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ना तो मैं पीसीबी में हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं मुलाजिम हूँ, मुझे वो काम करना है। यार मुझे ये लगता है कि क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए बेसिकली सबसे पहले तो इन सब का शुक्रिया एज अ फैन, और वो मोहब्बत और वो जो प्यार मिलता है देख के बहुत खुशी होती है। और ऑब्वियसली देखिए क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स खेलता रहूँ और इधर से स्पोर्ट्स खेल खेल के मुझे ये ज़रूर पता है कि एक स्पोर्ट्समैन या एक स्पोर्ट्स वूमेन है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने कोशिश की कि एक इनिशिएटिव लें और इस इनिशिएटिव को लिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको इस दफ़ा इतना अच्छे तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करें और इसको लेके चलें, ताकि आगे वाले आने वाले सालों में ये जो है ये एक आने वाला एक बड़ा मेन इवेंट हो पंजाब स्पोर्ट्स ग्रुप का। बहुत बड़ी इसमें स्टेशन तक तक उनमें हो नहीं पा रहा है और इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है एज ए क्रिकेटर क्या पहली वनडे आपने 24 पूरे 4 सालों में खेले हुए या आपके वनडेज भी नहीं है और प्रोसेशन का कोई मसला वर्ल्ड कप के लिए बड़ी पॉइंट है। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग पिछले कुछ अर्से से काफ़ी T20 खेलते आए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अगर एशिया कप में अगर हम लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं और बाय चांस अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान के पास इतने इतने प्लेयर्स हैं कि उनको खुद से आपस में टूर्नामेंट करवाने चाहिए और दो तीन टीमें होनी चाहिए जो आपस में रोज़ खेलें। और मेरा ख्याल है कि जितनी प्रैक्टिस हम वनडे क्रिकेट की करेंगे उतना हमारे प्लेयर्स के लिए फ़ायदा, क्योंकि अभी मोस्टली जितना भी हमारा पिछले 2 सालों से फोकस रहा है वो T20 पर है और T20 और वनडे क्रिकेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए मेरा ख्याल है कि हम लोगों को खुद अगर 10-15-20 मैचेस आपस में खेलने पड़े तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट प्रिपरेशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। अब क्या सजेस्ट करते हो कि इंडिया में है वहाँ पर हमें ज़्यादा बॉलर की ज़रूरत होनी और हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि क्या। देखिए ये तो सिलेक्टर्स का काम है कि वॉट दे हैव टू पिक एंड चूज ऑन वॉट दे वॉट और हाउ दे वॉन्ट टू गो अबाउट इट। मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक इंडिया जैसे मुल्क में जाकर वर्ल्ड कप खेलना आई थिंक यू नीड मोर एक्सपीरियंस देन द यंग प्लेयर, क्योंकि ये T20 नहीं है जहाँ पे 4 ओवर करके या 4 ओवर बैटिंग करके जो है वो बेच दिया गया। आई थिंक दे हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन कि उनकी टीम क्या होनी चाहिए, मिडल ऑर्डर क्या होना चाहिए, ओपनर्स तो हमारे सेट है माशाल्लाह, और बॉलिंग में हमें किस चीज़ की जरूरत है। आई थिंक ये सिलेक्टर्स को बैठ के सोचना चाहिए। अभी 20 राज्य के दौर में रेड और वाइट बॉल के अलग अलग सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, इस दफ़ा जो नई मैनेजमेंट आई है सुनने पे आ रहा है कि उसको कंटिन्यू करेंगे, आप समझते हैं कि ये रेड और वाइट बॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कंटिन्यू रहने चाहिए और प्लेयर्स इसी परफॉर्मेंस है उनके बिहाफ के ऊपर चेंजिंग भी होनी चाहिए? देखो यार ये टोटल डिसीजन जो है वो PCB का, आई थिंक वाइट बॉल और रेड बॉल में अगर तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम लोगों के पास अलग टीमें होनी चाहिए और अलग बच्चे होने चाहिए तो फिर बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मैम आपसे सवाल है टाइमिंग पिंक गेम्स की, कि आप समझती हैं कि हम फ्रोमिया हो चुकी हैं और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, बच्चियाँ उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी इस वाले से क्या, और गर्मी भी बहुत है। इस वक्त देखिए इसको हमने नाइट टाइम एक्टिविटी एक तो की हुई है इसलिए फ्लड लाइट इवेंट्स हैं ये सारे के सारे, और ऑलरेडी हम इन कोऑर्डिनेशन है सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और कोई इस तरह की इश्यूज़ नहीं है कि पार्टिसिपेशन इस लेवल पे नहीं हो पाएगी। इंशाल्लाह सक्सेसफुल इवेंट होगा और हमारी पूरी कोशिश है कि फर्स्ट एवर से इसको एनुअल बेसिस पे ले जाएं। भाभी एक क्वेश्चन आंसर हो गया था कि भी PCB ने स्पिन और फास्ट बॉलिंग क्या बनाया है जिनके अंदर वो आप जो जैसे क्रिकेट के अंदर एक्टिव है लेकिन अभी आपको मज़ा नहीं किया फास्ट बॉलिंग कैंपेन, क्या समझते कि वो आपको समझते कि बशीर हो गए तो बस हम बुलाना नहीं है? यार मुझे नहीं पता कि क्या सोच है उनकी इसके पीछे, लेकिन मैं फिर भी जाके कैंप में बॉलिंग तो करने जाऊंगा, मुझे अपनी प्रैक्टिस तो करनी है, वो ना बुलाए मैं कोशिश करूंगा कुछ चलाई नहीं, मुझे अपनी आगे जो मेरी आने वाली क्रिकेट है मुझे उसको देखना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि एक कैंप लगा हुआ और उसमें जाके आप बॉलिंग करें, बिकॉज आई थिंक वो तो हाफ एन आवर 40 मिनट्स की आपको बॉलिंग करनी होती है सारे दिन में, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बॉल और उसमें मैं अपनी तैयारी करूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट वो क्या सोच रहे हैं बट मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो आई रिक्वेस्ट PCB कि मुझे सिर्फ वहाँ पर आके जो है वो बॉलिंग करने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं थोड़ा सा गेम में और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी